नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 2 जनवरी 2018। स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। इस वीडियो में हम हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस और इसके अपडेशन से संबंधित है। पहले हम बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं, आखिरकार पूरा इश्यू है क्या। जब ब्रिटिशर्स भारत में रूल कर रहे थे तो आज का जो बांग्लादेश है उस समय आज का बांग्लादेश बंगाल का हिस्सा था, ईस्टर्न बंगाल के नाम से जाना जाता था आज के बांग्लादेश को। तो उस समय में भी देखो बांग्लादेश से माइग्रेशन होता था असम में, लेकिन कम होता था। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए 1947 में तो बांग्लादेश पार्ट बन गया पाकिस्तान का। 1947 के बाद आज का जो बांग्लादेश है ईस्टर्न पाकिस्तान बन गया। देखो उस समय बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट था, लेकिन पाकिस्तान की जो आर्मी है बहुत ज्यादा अत्याचार कर रही थी बांग्लादेश के लोगों पे, इसलिए जो माइग्रेशन था उस समय बांग्लादेश से असम में बहुत ज्यादा बढ़ गया। बांग्लादेश से लोग आने लगे असम में, तो इलीगल माइग्रेंट्स की समस्या धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ गई और इलीगल माइग्रेंट्स की यह समस्या पीक पे पहुंच गई 1971 में। 1971 में आपको पता है आज का बांग्लादेश और उस समय का ईस्टर्न पाकिस्तान, वहां पे एक बड़ी मूवमेंट चली थी आजादी के लिए। पाकिस्तान की आर्मी ने जिनोसाइड नरसंहार किया, तो पाकिस्तान की आर्मी के डर से बांग्लादेश से लोग आने लगे इंडिया में असम में। असम की पूरी डेमोग्राफी ही चेंज होने लगी। देखो 1971 में बांग्लादेश को तो आजादी मिल गई पाकिस्तान से, लेकिन इलीगल माइग्रेंट्स की समस्या सुलझने का नाम नहीं ले रही थी। पहले लोग बांग्लादेश से लोग आ रहे थे असम में पाकिस्तान की आर्मी के डर की वजह से, लेकिन 1971 के बाद भी इलीगल माइग्रेंट्स आए जा रहे थे असम में इकोनॉमिक पास्चर्स को देखते हुए, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों को यूं लगता था इकोनॉमिक कंडीशंस असम में अच्छी है, वहां पे लाइवलीहुड कंडीशंस अच्छी हैं, वहां पे जाने से फायदा होगा। तो इलीगल माइग्रेंट्स की समस्या बढ़ती जा रही थी। इसके विरोध में 1979 में ऑल इंडिया असम स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा एक बड़ी मूवमेंट चलाई गई। 6 सालों तक ये मूवमेंट चली। 6 सालों के बाद 1985 में एक समझौता हुआ जिसको कहते हैं असम अकॉर्ड्स। ये समझौता हुआ था असम गण परिषद, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। इस समझौते में कहा गया कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस को फिर से अपडेट किया जाएगा, यानी 1971 के बाद जो भी इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश से आए हैं असम में उनको तो वापस भेजा जाएगा बांग्लादेश में। इसके अलावा 1951 यानी 1951 से 1961 के बीच में जो भी इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं बांग्लादेश से असम में उनको तो सिटीजनशिप दे दी जाएगी, लेकिन 1961 से 1971 के बीच में जो भी इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं बांग्लादेश से असम में उनको 10 साल के लिए वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाएगा, और 1971 के बाद जो भी इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं इंडिया में उनको वापस भेजा जाएगा बांग्लादेश में। तो यह समझौता हुआ था 1985 में, इसे असम अकॉर्ड्स भी कहते हैं। तो अब उसी समझौते के बेस पे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस को अपडेट किया जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके 1971 के बाद कौन से बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स इंडिया में आए हैं, 1951 से 1961 के बीच में कौन से आए हैं और 1961 से 1971 के बीच में कौन से आए हैं। तो आइडेंटिफाई करके नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस को आइडेंटिफाई करके 1971 के बाद जो भी इलीगल माइग्रेंट्स आए हैं उनको वापस भेजा जाएगा। तो अब नतीजा, पहला ड्राफ्ट डिक्लेयर किया है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस का, यानी असम के लिए जो ये अपडेट हो रहा है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस पहला ड्राफ्ट डिक्लेयर किया गया है। और इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि टोटल 3,29,00,000 एप्लीकेशंस आई असम के लोगों के द्वारा सिटीजनशिप को वेरीफाई करवाने के लिए। पहले ड्राफ्ट में 1,90,00,000 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि ये सिटीजन है इंडिया के। उसके बाद अब दूसरा ड्राफ्ट भी जारी होगा और जो लोग छूट गए हैं, एक्सक्लूड हो गए हैं, उनकी फिर से वेरिफिकेशन होगी, और ये सारी प्रोसेस चल रही है सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस में। तो अब आपको सारा इश्यू ये समझ में आ गया होगा कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस को असम के लिए क्यों अपडेट किया जा रहा है। समझ गए, चलते हैं फिलहाल अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल आंट यानी चींटियों की नई स्पीशीज के बारे में है। अंडमान आर्किपेलगो में एक आइलैंड है, नाम है हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड में चींटियों की नई स्पीशीज को डिस्कवर किया गया है। नाम इस प्रकार से है, टेट्रामोरियम कृष्णानी और टेट्रामोरियम जरावा। नाम देखो जो नई स्पीशीज के आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं। के एस कृष्णन काफी फेमस साइंटिस्ट थे, उनको सम्मान देने के लिए चींटी की नई स्पीशीज का नाम है टेट्रामोरियम कृष्णानी, और दूसरा जो नाम है टेट्रामोरियम जरावा। जरावा नाम आता है यहाँ की लोकल ट्राइब से, इंडिजिनस ट्राइब है जरावा ट्राइब, तो वहां से नाम आता है टेट्रामोरियम जरावा। और आंट की जो ये नई स्पीशीज हैं वो एंडेमिक है अंडमान आइलैंड्स के, यही मिलती है, एंडेमिक है। यहाँ पे आइलैंड में जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहां पे पत्तों के कचरे में मिलती है ये आंट स्पीशीज, नई स्पीशीज जिनको डिस्कवर किया गया है। चलते हैं फिलहाल अगले आर्टिकल की तरफ।
अगला आर्टिकल नाइट फ्रॉक्स के बारे में है। नाइट फ्रॉक्स रात को एक्टिव होते हैं, वेस्टर्न घाट में मिलते हैं नाइट फ्रॉक्स। अभी कंटेक्स्ट ये है, साइंटिस्ट ने न्यू नाइट फ्रॉक को डिस्कवर किया है, नाम है मेवा सिंघी। न्यू नाइट फ्रॉक को साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है याद रखिएगा, कोझिकोड में। तो आमतौर पर जो ये नाइट फ्रॉक्स होते हैं वो स्ट्रीम के पास मिलते हैं, रात को एक्टिव होते हैं और स्ट्रीम्स के पास मिलते हैं। तो अभी जो न्यू नाइट फ्रॉक को डिस्कवर किया गया है मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वो भी डिस्कवर किया गया है पेरुवन्नामुझी डैम, यानी पेरुवन्नामुझी डैम के पास एक स्मॉल स्ट्रीम है, वहां पे न्यू नाइट फ्रॉग मेवा सिंघी को डिस्कवर किया गया है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, आप याद रखिएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट के बारे में है। स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट एचआरडी यूनिवर्सिटी के द्वारा लॉन्च किया गया था जुलाई में। इस प्रोजेक्ट में 32 डायरेक्ट टू होम चैनल्स पे डेली 4 घंटे का हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम शो किया जाता है। डेली 4 घंटे का नया एजुकेशनल प्रोग्राम होता है और उसको बार बार रिपीट किया जाता है एक दिन में, ताकि स्टूडेंट्स अपनी सुविधा के अनुसार हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम को अपने निर्धारित समय पर देख सकें। तो देखो, कई तरह के कोर्सेज से संबंधित ये प्रोग्राम होते हैं, जैसे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, इंजीनियरिंग, स्कूल चिल्ड्रन, वोकेशनल कोर्सेज, टीचर्स ट्रेनिंग। करिकुलम काफी प्रकार का है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, एग्रीकल्चर। तो इस प्रकार का करिकुलम से संबंधित कोर्सेज हैं स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट में। एक वेबसाइट भी होगी, आपने देखा होगा, swam.gov.in एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे भी इस तरह के कोर्सेज प्रेजेंट हैं। कुछ कोर्सेज अच्छे हैं, आप चेक कर सकते हो स्वयं वेबसाइट को। फिलहाल चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आगे थोड़ा सा अपडेट है, थोड़ा सा करेक्शन आप कर लीजिएगा नोट्स में। कल हमने डिस्कस किया था कि चाइना दुनिया में पहला ऐसा देश है जिसने फोटोवोल्टिक हाईवे का निर्माण किया है, लेकिन चाइना से पहले भी फ्रांस फोटोवोल्टिक रोड का बना चुका है, फोटोवोल्टिक रोड को डेवलप कर चुका है 2016 में। तो इसलिए चाइना दुनिया में पहला ऐसा देश नहीं है जिसने फोटोवोल्टिक हाईवे का निर्माण किया है, चाइना से पहले भी फ्रांस 2016 में फोटोवोल्टिक रोड को डेवलप कर चुका है। तो ये थोड़ा आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आगे पीआईबी है, देख लेते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आज कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। भावांतर भुगतान योजना, वैसे तो देखो ये स्टेट स्पेसिफिक स्कीम है, मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई थी अक्टूबर के महीने में, लेकिन काफी सुर्खियों में है ये स्कीम। क्यों सुर्खियों में है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले इस स्कीम के बारे में हम जान लेते हैं। देखो कई बार क्या होता है, किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम नहीं मिल पाते, इवन सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मौसम खराब हो जाता है तो किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं, कई बार इवन सप्लाई बढ़ने की वजह से मार्केट क्रैश कर जाती है। तो सरकार के एमएसपी डिक्लेयर करने के बावजूद किसानों की जो फसलें हैं मार्केट में एमएसपी रेट पर नहीं बिक पाती, उससे नीचे के रेट पर बिकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 2000 एमएसपी सरकार ने डिक्लेयर किया है किसी फसल का, तो 1500 रुपये भी नहीं मिल पाते किसान को उसकी फसल के। तो इसी वजह से जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे एग्रेरियन डिस्ट्रेस, एग्रेरियन क्राइसिस काफी गंभीर है, हमारे किसान आज सुसाइड्स कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में मांडासूर में एक बड़ी किसान मूवमेंट हुई थी। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश की सरकार ने अक्टूबर में ये भावांतर भुगतान योजना चलाई थी। है क्या भावांतर भुगतान योजना में, एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं। मान लीजिए किसी क्रॉप का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 5000 रुपए, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा हो गई या फिर बारिश कम हुई, मार्केट क्रैश कर गई, इन सभी रीजंस के कारण किसान अपनी फसल को मार्केट में 5000 रुपए में नहीं बेच पा रहे हैं। कहने को तो सरकार ने उस फसल के लिए मिनिमम स्पॉट प्राइस डिक्लेयर किया है 5000 रुपए, लेकिन कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है मिनिमम स्पॉट प्राइस पे। तो मजबूरीवश किसान को अपनी जो फसल है वो सस्ते दामों में बेचनी पड़ेगी मार्केट में, वो दाम कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल हम मान लेते हैं 3000 रुपए में किसान ने मजबूरीवश अपनी फसल को बेच दिया, क्योंकि मिनिमम स्पॉट प्राइस पे कोई खरीदने को तैयार ही नहीं था मार्केट में। तो मिनिमम स्पॉट प्राइस से 2000 रुपए का किसान को नुकसान हो गया। इस 2000 रुपए की भरपाई करेगी सरकार भावांतर भुगतान योजना में। समझ गए क्या है, यानी अगर किसान मिनिमम स्पॉट प्राइस पे अपनी फसल को नहीं बेच पाते हैं, जिस भी रेट पे वो अपनी फसल को बेच रहे हैं, मिनिमम स्पॉट प्राइस और जिस रेट पे किसान बेच रहे हैं दोनों का जो डिफरेंस होगा वो सरकार देगी उस किसान को। आधार कार्ड से लिंक खाता होगा और उस खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। यह है भावांतर भुगतान योजना, एग्रेरियन डिस्ट्रेस को कम करने के लिए, फार्मर्स के इनकम को ऊपर ले जाने के लिए, उनके लाइवलीहुड में इंप्रूवमेंट लाने के लिए यह स्कीम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई थी अक्टूबर में। तो क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है, यह भी पूछा जा सकता है भावांतर भुगतान योजना है क्या, क्योंकि काफी सुर्खियों में है। इसके अलावा कौन से स्टेट ने सबसे पहले चलाई थी भावांतर भुगतान योजना, तो यह सब चीजें आप याद रखिएगा। चलते हैं फिलहाल अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश को भी ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया है।
नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश दूसरा ऐसा स्टेट है जिसको ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश से पहले नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम को भी ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित कर दिया गया था। टारगेट था 2 अक्टूबर 2019 का, लेकिन उससे पहले ही अरुणाचल प्रदेश को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के बारे में डिटेल से डिस्कशन की, असम में ये पूरा मामला आखिरकार है क्या। उसके बाद हमने चींटी की नई स्पीसीज जो अंडमान के हैवलॉक आइलैंड में डिस्कवर की गई है उनके बारे में हमने डिस्कस किया। नाइट फ्रॉग्स के बारे में हमने डिस्कस किया। स्वयं प्रभा एक ग्रुप्स है 32 डीटीएच चैनल्स का, जिनके ऊपर हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स को डेली शो किया जाता है। उसके बाद पीआईबी में हमने डिस्कस किया भावांतर भुगतान योजना के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अक्टूबर में चलाई गई थी, अभी फिलहाल सुर्खियों में है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरे जो स्टेट्स हैं वो भी इसी तरह की स्कीम को चलाना चाहते हैं एग्रेरियन डिस्ट्रेस को कम करने के लिए। और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का दूसरा ऐसा स्टेट है जिसको ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश से पहले सिक्किम नॉर्थ ईस्ट का पहला ऐसा स्टेट था जिसको ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर किया गया था। यह थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।